देखो भैया, पढ़ाई और लड़ाई तभी अच्छी लगती है जब हम ना कर रहे हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। हमारे छोटे शहरों का एक उसूल है, अगर दो लोग बहस कर रहे होते हैं तो उन्हें जाकर समझाया जाता है कि बहस मत करो, एक आध लात घूसा भी चलाना चाहिए। लेकिन हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम किसी तरीके की हिंसा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। पर हाँ, ये सोशल मीडिया पर होने वाली बहस के हम फुल सपोर्टर हैं, क्योंकि शाहरुख और आमिर खान पिक्चर बना नहीं रहे, सलमान भाई जो बना रहे हैं झेली जा नहीं रही है। ऐसे में हमारी डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया पर हो रही लड़ाइयाँ ही तो होती हैं। फिर अगर वो लड़ाई रविंद्र जडेजा और संजय मांजरेकर की हो तो भैया पॉपकॉर्न की बड़ी वाली बकेट भी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। हालांकि ये लड़ाई 2019 की है और अब जिस तरीके की जडेजा की फॉर्म है उनके बारे में बोलकर मांजरेकर ट्विटर पर ट्रेंड नहीं होना चाहेंगे। लेकिन फिर भी सर रविंद्र जडेजा ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने ऊपर की गई टिप्पणी की खुन्नस किस तरीके से निकाली है। इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह तो बता दें कि असल में पूरा मामला क्या है और लड़ाई शुरू कैसे हुई। बात है 2019 वर्ल्ड कप की। इंडिया वाले ग्रुप मैच में इंग्लैंड से खेल रहे थे और उस मैच में कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 72 रन लुटा दिए थे, जबकि चहल ने 88 रन का तोहफा दिया। उस वक्त तक जडेजा वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सिर्फ सब्स्टिट्यूट फील्डर बनकर ही मैदान में आ रहे थे। ऐसे में जब साथी कमेंटेटर ने संजय मांजरेकर जी से पूछा कि अगर हमारे दोनों स्पिनर्स को इतना पेला जा रहा है तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हम जडेजा को खिला लें, उस वक्त संजय मांजरेकर के मुंह से ऐसी बात निकल गई ना भाई साहब कि उसके बाद आज तक वो यही कहते होंगे कि भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, मुझे माफ कर दो। मतलब मांजरेकर ने कहा कि वो जडेजा के फैन नहीं है और हमें एक कंप्लीट स्पिनर या क्रिकेटर चाहिए। मांजरेकर भैया इतनी भावनाओं में बह गए कि उन्होंने जडेजा को बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर बोल दिया। और जडेजा भैया ने तो ये कमेंट अपने दिल क्या गुर्दे और फेफड़े पर भी ले लिया था। उन्होंने ट्वीट करके और संजय मांजरेकर को टैग करके लिखा कि चाहे कुछ भी हो सर, मैंने आपसे दोगुने मैच खेले हैं और अभी भी खेल रहा हूं, कम से कम इसी बात की इज्जत कर लो। ये वर्बल डायरिया सुन सुन के मैं पक गया हूं। अरे बाप रे, उनके ये ट्वीट पोस्ट करते ही इंटरनेट पर ये वायरल हो गया। लोग फुल ऑन जडेजा का सपोर्ट करने लगे। मजे की बात ये थी कि अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ कोहली भैया ने भी जडेजा को मौका दे दिया और फिर कैमरामैन कंफ्यूज हो गया कि सुंदर लड़कियों को दिखाएं या जडेजा और मांजरेकर को। लेकिन यहां पर और फील्ड पर जीत जडेजा की हुई जब उन्होंने अपने पहले ओवर में ही विकेट निकाल लिया। कमेंट्री बॉक्स में भी मांजरेकर को मन मारकर ही सही, तारीफ तो उनकी करनी ही पड़ी। उस वर्ल्ड कप में जड्डू ने अपना लोहा, लकड़ी, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, मैं तो कहता हूं सब कुछ मनवा लिया और ये दिखाया कि 24 कैरेट के सोने हैं वो सोने। लेकिन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान मांजरेकर सर एक बार फिर बोले और ये बोले कि उन्हें जडेजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनके हिसाब से इस तरह के क्रिकेटर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद सर रविंद्र जडेजा ने ट्विटर पर नहीं परफॉर्मेंस से जवाब दिया। मतलब चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, जडेजा हर फॉर्मेट में और हर फील्ड में टीम इंडिया के सबसे कामयाब क्रिकेटर बन गए हैं। अगर इसकी वजह मांजरेकर जी के कमेंट हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि शायद उनकी ही वजह से जडेजा आज बेन स्टोक से भी ज्यादा कामयाब ऑलराउंडर हैं। लेकिन जडेजा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है कि चाहे उनको घोड़े बेहद पसंद हो लेकिन लाइफ में रोड़े बिल्कुल पसंद नहीं। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो इंडिया वाले न्यूजीलैंड से हार गए थे, लेकिन उस मैच में जड्डू ने शानदार बैटिंग करके सबका दिल जीत लिया था। उस मैच में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद जड्डू कमेंट्री बॉक्स खोज रहे थे ताकि उसकी ओर रुख करके अपना फेमस तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन कर सकें। उन्हीं के शब्दों में बताऊं तो उन्होंने ये कहा है कि तब तो भट्टा गर्म था ना, मतलब मैदान पर माहौल ही ऐसा था कि मुझे सिर्फ कमेंट्री बॉक्स के सामने ही सेलिब्रेशन करना था। इसे कहते हैं बदला लेना। भाई हम तो चाहेंगे संजय मांजरेकर को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी कमेंट्री बॉक्स में बिठा दो, फिर देखो कैसे अपने जड्डू भाई अकेले दम पर ये कप इंडिया को जिता देते हैं। वेल, इस पूरी लड़ाई में आप किसके साथ हैं, जडेजा या मांजरेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मांजरेकर सर का नाम लिखने वाले को हम ब्लॉक कर सकें। सॉरी, फुल मजाक चल रहा है भाई साहब, लेकिन ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे दिख रहे हो तो पेज को भी जरूर लाइक करना और इंस्टाग्राम पे भी जरूर मिलना। मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।